केवरेव राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर से प्रोसिपस जूलीफ्लोरा यानी कि विलायती बबूल के संकट से जूझने लगा है। पिछले सालों में किए गए प्रयासों के बाद उद्यान को विलायती बबूल से काफी हद तक मुक्त करा लिया गया था, लेकिन सरकार से इसके उन्मूलन के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं मिलने के चलते बबूल की ये घातक प्रजाति एक बार फिर से उद्यान में अपना साम्राज्य जमाने लगी है। परिंदों की आश्रय स्थली के तौर पर दुनिया भर में विख्यात केवला देव राष्ट्रीय उद्यान पर एक बार फिर से प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा यानी विलायती बबूल का संकट मंडराने लगा है। वन्य जीवों और वनस्पति के लिए बेहद घातक इस बबूल ने उद्यान के कई इलाकों को एक बार फिर से अपने आगोश में ले लिया है। उपयोग रहित इस बबूल की प्रजाति से उद्यान को मुक्ति दिलाने के लिए उद्यान में वृहद स्तर पर प्रयास किए गए थे और करीब 3 साल के अथक प्रयासों के बाद काफी हद तक उद्यान को इससे मुक्त भी कर दिया गया था, लेकिन अब धनराशि के अभाव के चलते यह योजना खटाई में पड़ती दिख रही है और उद्यान के कई इलाकों में एक बार फिर से विलायती बबूल अपना अस्तित्व काबिज करता जा रहा है। सरकार और प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए लाइफलाइन फॉर नेचर सोसाइटी ने अपने स्तर पर उद्यान के एक ब्लॉक से इस बबूल को हटाने का बीड़ा उठाया है। मुंबई के कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने इसके लिए धनराशि मुहैया कराई है, जिससे उद्यान में मजदूरों को काम पर लगाकर इसे हटाने का काम किया जा रहा है। ये आप देख रहे हो जूलीफ्लोरा है, जिसे हम लोग अपनी सोसाइटी लाइफलाइन फॉर नेचर सोसाइटी है उसके थ्रू हम लोग इसे निकलवा रहे हैं, क्योंकि ये जो जूलीफ्लोरा है ये बहुत ज्यादा पार्क के लिए मतलब ये मान लो घातक है, क्योंकि ये जिस जहाँ पे उगता है वहाँ पे और पुरानी वनस्पति को नियोग नहीं देता है और ये बहुत तादाद में बढ़ता है।